पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ऋषि कुमारों की भैया, श्री राम और माता सीता दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे नेत्र भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। कोई मायावी नकारात्मक शक्ति षड्यंत्र रच रही है। यदि तुम मेरे किसी काम के नहीं तो तुम्हें जीवित छोड़कर क्या करूंगा मैं? अंतिम अवसर दे रहा हूं बालक, मान लो मेरी बात। बालक, बालक उठो। मुझे पराजय स्वीकार नहीं है राघव, मैं तुमसे जीत के रहूंगा, तुम्हें हरा कर रहूंगा मैं। हनुमान, ये समय प्रहार करने का नहीं, प्रहार से बचने का है। बचा सकते हो तो बचा लो अपना राम राज्य। महाराज, वो बालक मिल गए। इस बालक को संभाली आ रहे सुमंत। जी महाराज। मुझे इसी क्षण जाना होगा आर्य सुमंत। रथ को सज कीजिए। आर्य सुमंत, महाराज जनक से मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा, उनसे विदा लिए बिना जाना पड़ रहा है। और उन ऋषि कुमारों को मेरी ओर से ये भेंट दीजिएगा, कभी अवसर मिला तो उनसे भेंट का लाभ मिलेगा मुझे। प्रभु के पास में बंधने को सज्ज होना दुष्ट। अयोध्या चलो हनुमान, हमारे पास समय अधिक नहीं है। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम
बाल को। मैं जानता हूं तुम्हारी दृष्टि किसे ढूंढ रही है। हम भी कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं ये भी जानता हूं कि इतने असंभव चुनौतियों को संभव कौन कर रहा था। ईश्वर की असीम कृपा है तुम दोनों पर। तुम दोनों केवल धनुर्धारी ही नहीं हो बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी हो। धर्म के अर्थ को समझने की क्षमता भी रखते हो। राजाओं से पराक्रमी और वीर भी हो और बालकों से नटखट भी। मैं और श्री राम तुम दोनों से अत्यंत प्रभावित हैं। और सत्य तो यह है कि जितने उत्सुक तुम दोनों हो श्री राम से मिलने के लिए, उतने ही उत्सुक श्री राम भी थे तुम दोनों से मिलने के लिए। किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक राक्षस को खदेड़ने के लिए जाना पड़ा। ये श्री राम की माला है, वही माला तुम दोनों को भेंट करना चाहते थे। कितना सुंदर रूप है, कितना सुंदर भाव और स्वभाव है, नम्र छवि। तुम दोनों को देखकर किसी का स्मरण हो आया। माता सीता, माता सीता भी श्री राम के साथ है। बताइए ना, माता सीता है उनके साथ? कोई बात नहीं, जब हम अयोध्या जाएंगे तब माता सीता से भी मिलेंगे और श्री राम से भी। हमारी माता कहती है कि जो बीत गया उससे सोच सोच कर दुखी होना व्यर्थ है, इसलिए आगे का सोचना चाहिए। उचित कहा आपकी माता श्री ने, बीते कल के बारे में सोच के दुखी होना ठीक नहीं है। अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होती है तुम्हारी माता। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुनैना। अवश्य महारानी, वो भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगी। उत्तर की ओर वन के निकट भगवान वाल्मीकि के आश्रम में ही रहते हैं। उचित है, हम शीघ्र ही आश्रम आएंगे, भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद देंगे। आप लोग यहां से प्रस्थान करें और आपकी भेंट, आपका पुरस्कार स्वीकार करें। माता, हम सुनैना जी से भी मिले और महाराज जनक से भी। महाराज जनक यहाँ पे भी आएंगे? महाराज जनक यहाँ आएंगे? हाँ माता। मुझे मिथिला में हुए हर प्रवास के विषय में बताओ। अभी नहीं माता, हम मिथिला से विजेता बनकर लौटे हैं और हमारे उपगुरु वो भली भांति पराजित होकर आए, उनका स्वागत तो कीजिए। पराजित होकर किससे और कहाँ है उपगुरु? आश्रम के बाहर है, विजेता के सेवा कर रहे हैं। हाँ, लौटते हुए पूरे मार्ग में सेवक की भांति सेवा करते हुए आए हैं। कभी जल का घड़ा तो कभी फल के टोकरी लेकर आए हैं। किसके लिए? आप सभी को मेरा प्रणाम। ये प्रसूता है मेरी धर्म पत्नी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।